हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। स्वामी, प्रभु की शरण में जाइए। ऋषि, मुनि, देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वे ही चरण आपके शीश पर हैं। इन्हें नमस्कार कीजिए। त्राहे माम, त्राहे माम। हे देवता, मैं तुम्हारे शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्तु। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, परंतु एक शर्त पर, कि तुम यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमणक द्वीप पर चले जाओ, जो महान सर्पों के रहने का एक स्थान है। परंतु स्वामी, वहां मुझे आपका वाहन गरुड़ जीता नहीं छोड़ेगा। भगवान, पहले मैं उसी रमणीक द्वीप पर अपनी प्रजा के साथ रहता था। तब एक बार जब गरुड़ जी मेरे प्राण लेने मुझ पर झपटे, तो उनके भय से मैं अपनी पत्नियों सहित यमुना के रास्ते इस कुंड में आकर छुप गया। आप तो जानते हैं कि सौरभ मुनि के श्राप के कारण गरुड़ जी इस यमुना के कुंड में नहीं आ सकते, इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गया हूँ। नहीं नागराज, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब तुम्हारे फनों पर हमारी चरण धूली देखकर गरुड़ तुम्हें मारने की जगह इस चरण धूली को नमस्कार करेंगे। जाओ मैया, अब रमणक द्वीप पर अपने पति के साथ निर्भय होकर विहार करो। उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो। बाबा, तुम चिंता मत करो, कन्नू को कुछ नहीं होगा। उसे साधारण मानव मत समझो, वो देवलोक से आया है। अरे वो देखो, कन्नू आ गया।
चले जाओ नागराज, तुम्हारा मंगल हो। Thank you.